नगर परिषद नालागढ़ में एक और घोटाला आया सामने। अच्छे रसूखदारों ने नगर परिषद के पार्षदों व अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर मारा गरीबों का हक। ये मकान शहर में जो भूमिहीन व IRDP परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आवंटित होने थे, लेकिन तत्कालीन नप अध्यक्ष पर अपने चहितों और अपने रिश्तेदारों को आवंटित करने के लगे आरोप। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि जो मकान आवंटित हुए हैं उनके आगे बड़ी बड़ी महंगी कारें खड़ी हैं। अगर ये लोग गरीब हैं तो महंगी कारें कहां से आई, ये जांच का विषय है। शिकायतकर्ता राकेश गौतम का कहना है कि तत्कालीन नप अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि जो भी मकान आवंटित किए गए हैं वो सरकारी नियमों के तहत किए गए हैं। वर्तमान अध्यक्ष मनोज वर्मा का कहना है कि अगर नियमों को ताक पर रखकर कोई मकान आवंटित किया गया है तो उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं राकेश गौतम, उत्तर श्री बुखार गौतम, वार्ड नंबर 7 नालागढ़ से। जो मैंने कमेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट की हुई है, ये IDGMC के जो जितने भी मकान बने हुए हैं उनकी इंक्वायरी के बारे में मैंने पूछा हुआ है। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3 के मैंने बोला था इनको एक्सेप्शनली करना चाहिए कि वार्ड नंबर 3 और 8 के हैं जो उनको इनकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो अलाट किए गए हैं जितने भी जिसको भी मकान किए हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2, जितना भी है नगर परिषद ने ये दुकानें हैं फ्रूट वालों को बना कर दी है, 8 दुकानें हैं इनको बना कर दी है, 3 फुट आगे करके इसको पक्का कर दिया, पक्का करके इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी तरह का कोई क्राइनामा नहीं बना, इनको दुकानें बनाकर दे दी गई। और इसमें भी बहुत अच्छा घोटाला है, ये घोटाले के बारे में यह सारा नगर परिषद का बुरा हाल है, इसके बारे में पहले भी मैंने किया था संज्ञान लिया था। और नंबर 3, नगर परिषद में मैंने RTI Act के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो मैंने लगाए थे सारे सबूत के साथ, संलग्न है साथ में पत्र के साथ जितने भी हैं, मैंने मुख्यमंत्री महोदय, फाइनेंस ऑफिसर को और SIT को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और SDM साहब नालागढ़ को भी इसकी कंप्लेंट की थी। तो अब SDM नालागढ़ जी ने तहसीलदार नालागढ़ को फॉरवर्ड करी है कि वो उसकी रिपोर्ट बनाकर उनको सारी देंगे, सबमिट करेंगे कमेटी के अगेंस्ट, जो भी उसमें उनको सबूत मिलेंगे वो मैंने सारे सबूतों के साथ दिया है, उसमें कोई उसमें वो नहीं है। कमेटी द्वारा बहुत बड़ा गड़बड़ जाला किया हुआ है, लाखों रुपए का यहाँ पे कोई नहीं पूछता। और दूसरा, ये रमेश्वर दास महेश गौतम जी हमारे प्रधान जी, इन्होंने GK मेहता के खिलाफ कंप्लेंट की थी जब ये प्रधान नहीं थे। उस वक्त वार्ड नंबर 7 में GK मेहता ने 2 दुकानें बनाई थी, उसकी कंप्लेंट की थी। उसमें भी JEE ने कुछ लिखा है, सर्वेयर ने कुछ लिखा है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट गलत है और उसने अलका वर्मा के सिग्नेचर किए हुए हैं फर्जी, अपनी गलती मर्जी के साथ अलका वर्मा के सिग्नेचर कर दिए है और EO को मार्क कर दिया है, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ये पूर्णतः स्वच्छ तरीके से इंक्वायरी हो ताकि किसी तरह की उसमें वो ना हो और पब्लिक को भी लगे कि हमारे शहर में कोई अच्छा काम हो रहा है। नंबर 4, ये जितने भी IGMC के क्वार्टर्स है IDGMC के बनाए हुए हैं उसमें भी हमारे मित्र है महेश गौतम जी, उन्होंने अपने ब्रदर को दिया है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छे तरीके से कि किसको दिया है और जो वो दिया है उसमें क्या क्या कमियां पाई गई है, उसमें जो जो कमियां हैं उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरी यही दरख्वास्त है। अब SDM साहब से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा हमने तहसीलदार साहब को सबमिट कर दी है। मैं 2-3 दफ़ा तहसीलदार साहब के पास गया दफ्तर में, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। तो अब मेरी कल तहसीलदार साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम आपको विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देंगे। नगर परिषद ने 2016 में तकरीबन 60 दुकानों की नीलामी की है, इन दुकानों के कोई भी नक्शे नहीं बनाए, ना ही कोई अप्रूव किए, बिना नक्शों के ये दुकानें बना के इन्होंने अप्रूव करके दे दी है। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी बात है, अब ये मेहता मार्केट का वार्ड नंबर 1 का मैंने किया था, SIT को इंक्वायरी करवाई थी, अब हाईकोर्ट द्वारा ये हमारे मित्र सरदार जी है, इन्होंने
अपील पाई थी, तो उसमें उन्होंने उनको डिमोलिशन के ऑर्डर दिए हैं कि उसको डिसमेंटल किया जाए। वहाँ का जो ग्रीन एरिया है, पार्क, स्कूल, सेप्टिक टैंक और ग्रीन एरिया जितना भी है उसको निकाला जाए, ताकि वो सारा जितना भी है घपला, करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसका लोगों को पता चले कि क्या क्या हुआ है। ये शहर का बुरा हाल है, इसलिए कि हमारे शहर को स्वच्छ रखने के लिए तो अफसर अच्छे होने चाहिए और हमारे कमेटी के दफ्तर में नए आने चाहिए मुलाजिम, मेरी तो यही इच्छा है। मेरा कहना ये है कि एक रेजुलेशन डला हुआ है नगर परिषद नालागढ़ में, उसमें कहा गया है 2012 से पहले जिन लोगों को घर से बेदखल किया हुआ है हमने उनको मकान देने हैं। जो मनोज कुमार जिसको हमने मकान दिया है उसको घर से बेदखल किए हुए 2012 से पहले का किया हुआ है, ठीक है, बाकी उसके कागज साफ लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। ऐसे ही बेदखल लोग जो है घर से किए हुए नालागढ़ के लोग भी है कि हमने उनको भी मकान दिया है, डॉक्यूमेंट उसके कंप्लीट हैं। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट है, अगर बेदखल नहीं किया हुआ घर से, ठीक है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है, नहीं हम तो जाते हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, तो पहले उसके कागज पत्र चेक कर लिए जाए, सभी के, उसी के भी सभी के करो, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं सभी के चेक किए जाए और जो उचित कार्रवाई होगी हम उसके भुगतने के लिए तैयार हैं। पर कोई भी ऐसा मकान नियमों को ताक पर रख कर दिया गया है तो उसकी जांच की जाएगी, और जिसने भी ऐसा कार्य किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर अगर कोई ऐसा मामला आता है, जैसे वैसे स्कीम गरीबों को लिए दी गई थी, अगर ऐसा कोई मामला आपके पास आता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ? देखिए सबसे पहले तो ये है बात कि नियमों के विरुद्ध कोई भी मकान आवंटित नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी ऐसा फिर भी पाया जाता है जिस जो कि नियमों को ताक पर रखकर मकान दिया गया हो तो उसकी। नालागढ़ से अनवर हुसैन की खास रिपोर्ट।